साक्षी वर्सेटाइल चैनल, कैसे हो आप सब लोग? होप्स हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। एंड फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है हेयर रिलेटेड वीडियो है। आई नो आपको मेरी हेयर रिलेटेड जो वीडियोज़ होती हैं बहुत सारी पसंद आती है, तो इसलिए मैं प्रीफर करती हूँ आपके कमेंट के बेसिस पर वीडियो बनाना। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाओ की अनियन रेंज का रिव्यू। ऑल्दो इसका रिव्यू मैं पहले कर चुकी हूँ, पर बहुत सारे लोग हमारे साथ इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि दी वाओ शैम्पू कैसा है, वाओ अनियन ऑयल कैसा है, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से वाओ की अनियन रेंज का रिव्यू किया जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। यू विल गेट 3 प्रोडक्ट्स इन वाओ स्किन साइंस अनियन हेयर केयर रेंज। तो फर्स्ट है वाओ स्किन साइंस अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, और ये वाला जो ऑयल है मेरा पर्सनल फेवरेट है और बहुत पहले से मैं इसको यूज़ करती हुई आ रही हूँ और इसकी 2-3 वीडियो तो आपको मेरे चैनल पर मिल ही जाएंगी। सेकंड है वाओ स्किन साइंस का हेल्दी हेयर केयर किट, इसमें आता है वाओ का रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू एंड वाओ स्किन साइंस का रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल कंडीशनर। या तो आप कंडीशनर ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इनका ना हेयर मास्क भी आता है या फिर वो ऑर्डर कर सकते हैं, तो इस बार मैंने कंडीशनर ऑर्डर किया है। एंड हमेशा क्या करती थी ना, मैं अलग अलग प्रोडक्ट ऑर्डर करती थी तो मुझे थोड़े वो एक्सपेंसिव लगते थे। इस बार मैंने किटी मंगा ली है और ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं मुझे अराउंड 850 रुपीज़ में मिल गए हैं ऑफ़र में। तो तीनों प्रोडक्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले जो मैंने अनियन हेयर ऑयल यूज़ किया था वो है ये वाओ स्किन साइंस का अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये नॉन स्टिकी है और बिल्कुल भी आपको चिपचिपापन नहीं लगेगा अगर आप इसको अपने बालों में लगाएंगे तो। एंड इसके अंदर आपको अनियन के साथ साथ बहुत सारे मल्टीपल ऑयल मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आलमंड ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, अनियन ब्लैक सीड ऑयल है। अगर आप चाहते हो एक परफेक्ट ब्लेंड अपने बालों में यूज़ करना तो आप इस टाइप के हेयर ऑयल को प्रीफर कर सकते हो। यू नो वॉट, ड्यूरिंग द विंटर आपके जो हेयर हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, उनकी जो शाइनिंग है कहीं गायब हो जाती है, प्लस हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू वेदर कंडीशन। अगर आपको एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है तो आपको अनियन हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अनियन इज़ रिच इन सल्फर और सल्फर जो होता है आपके स्काल्प पर न्यू हेयर को प्रमोट करता है, और जो एग्जिस्टिंग हेयर है जब आप अनियन हेयर ऑयल यूज़ करोगे तो वो आपके बालों को, जो एग्जिस्टिंग बाल है उनको प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट करेंगे जिससे कि आपका हेयर फॉल धीरे धीरे कम हो जाएगा। एज आई मेंशन, इट्स नॉन स्टिकी एंड नॉन ग्रीसी। तो कुछ कुछ मैन ऐसे होते हैं जिनको डेली हेयर ऑयल अप्लाई करने की आदत होती है तो आप इस टाइप का हेयर ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। मैन वुमेन बोथ कैन यूज़ दिस हेयर ऑयल। ऑल्सो इट विल सूट टू ऑल हेयर टाइप। अगर आपके बाल नॉर्मल हैं, ड्राई हैं, ऑयली हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको डेली यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा क्वांटिटी आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना है। अगर आप वीकली बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने स्काल्प पर इसको अप्लाई कर लीजिए, फिर फिंगर टिप्स की हेल्प से मसाज करनी है। मसाज इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। अगर आपको हेयर ग्रोथ करनी है तो वीक में एक बार स्काल्प पर हेयर मसाज जरूरी है, बिकॉज इट विल इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन और जिससे क्या होगा, आपके जो बाल हैं वो जल्दी लंबे होंगे, प्लस हेयर फॉल का जो इशू है वो भी कम हो जाएगा। प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है आपके हेयर फॉलिकल्स को जब आप मसाज करते हैं। तो आपका मेन फोकस स्काल्प पर होना चाहिए। स्काल्प के बाद आप इसको अपनी हेयर लेंथ और टिप्स पर भी अप्लाई कर लीजिए। देन यू कैन कीप दिस हेयर ऑयल इन योर हेयर ओवरनाइट। देन आप नेक्स्ट डे अच्छे से शावर ले लीजिए, अपना हेयर वॉश कर लीजिए। ऑयलिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया है, अब बारी आती है शैम्पू की। तो चलिए जी बात कर लेते हैं शैम्पू की। तो अगर आप ऑयल में अनियन वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं तो शैम्पू में ही आपको अनियन वेरिएंट यूज़ करना है, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपस में कंपैटिबल होते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल शैम्पू, एंड इट्स हैविंग रेड अनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट, ब्लैक सीड ऑयल एंड प्रो विटामिन्स।
और वाओ के प्रोडक्ट्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई भी पैराबिन, मिनरल और सल्फेट नहीं होता है. इट मीन्स दैट विल नॉट हार्म योर हेयर. तो इसको आपको कैसे लेना है, जेनरस अमाउंट ऑफ शैम्पू लेना है, उसको आपको मिक्स करना है एक मग में, पानी लेके अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, देन उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं. आफ्टर हेयर वॉश आपको आपके जो बाल हैं थोड़े से लाइट फील होंगे, सॉफ्ट लगेंगे, प्लस ये वाला जो शैम्पू है आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. येस, आफ्टर शैम्पू आपको यूज़ करना है कंडीशनर. कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कंडीशनर नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो वाओ स्किन साइंस के कंडीशनर में केमिकल तो है ही नहीं. प्लस ये आपके बालों को एक्स्ट्रा शाइनिंग देता है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाता है, प्लस मैनेजेबल बनाता है. तो आपको क्या करना है, कंडीशनर लेना है और अपने हेयर की 3/4 लेंथ पर अप्लाई करना है. अराउंड 3 to 4 मिनट छोड़ने के बाद हेयर वॉश कर लेना है. देन आपके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा लश्रियस हो जाएंगे. ऑनेस्ट रिव्यू था, और कैसा लगा आपको मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में. अगर आप ये प्रोडक्ट्स पहले से यूज़ कर चुके हों तो भी आप बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन प्रोडक्ट्स के साथ, जिससे क्या ना दूसरे लोगों की हेल्प हो जाती है. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव बिग थम्स अप, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. बाय.